नाजरीन आदाब, मैं इम्तियाज अहमद अंसारी खबर आसनसोल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए डालते हैं आज की खबरों पे एक नजर। रानीगंज की पुष्पा वलोटिया की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। वाकया के दो महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब तक मामले को सुलझाने में नाकाम नजर आ रही है। घर वालों के बाद रानीगंज के मुहाजी काउंसलर आरिफ जलीस ने भी तफ्तीश का मुतालबा किया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। याद रहे कि पुष्पा को गुज़िश्ता 5 अक्टूबर को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। पुष्पा भलोटिया जी का जो एक वाकया रानीगंज में हुआ था, जो पूरे शहर के लिए बहुत दुखित समाचार हम लोगों को मिला था। फिर अभी बीच में खबरें आ रही थी कि उनके भाई और उनके चाहने वाले बहुत से एनजीओ वगैरह एक जांच की मांग कर रहे हैं कि उनका हत्या है या आत्महत्या, इस पर एक जांच होनी चाहिए। बिहाफ ऑफ रानीगंज पीपुल, बिहाफ ऑफ रानीगंज सिटीजन, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब उनके परिवार ये चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो एक सही जांच होना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि एक लड़की का पूरा परिवार जो है, उनका भाई और भी जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि क्लियर हो। उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है बल्कि कुछ और है। तो प्रशासन से हमारा भी विनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, ताकि पूरे शहर में एक मैसेज जाए कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ बहू बन के आती हैं, बहुत सारी लड़कियां यहाँ से बहू बन के जाती हैं, उनको विश्वास हो। और सभी आदमी का ये हक बनता है कि एक प्रशासन से अपील कर सकता है, अगर उनको लगे कि ये इंसाफ नहीं हो रहा तो अपना अपील करने का हक है। और उनके परिवार के हम लोग पूरे साथ हैं, उनको लगता है कि जाँच होनी चाहिए तो हम लोग भी साथ में जाँच होनी चाहिए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में चोरी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ताजा तरीन वाकया में कुल्टी कॉलेज के करीब एक टीचर के घर चोरी हो गई। लाखों रुपए की मालियत के जेवरात और नकद चुराकर बदमाश फरार हो गए। बताया गया कि टीचर चुमकी देवी इम्तिहान देने के लिए कहीं गई हुई थी। खाली घर देख कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। যখন আসেন দু একটা উনি শাড়ি টাড়ি রাখেন, ওই জন্য মানে চেক করেছে। ছিল না নাকি আপনার? আমি পিএসজির কাজে বাইরে গেছিলাম, রবিবার বিকেল থেকে ছিলাম না, আজকে ফিরেছি। তো আজকে এসে দেখছি যে এরকম চোর ঢুকেছিল, আলমারি থেকে আমার কিছু সোনার জিনিস নিয়ে যায়, ক্যামেরা দেখছি নেই। তালা ভেঙে ঢুকেছিল? হ্যাঁ, তালা ভেঙে আলমারিটাও ভেঙেছে। আমি একা থাকি তো, তো হয়তো ফলো করেছে। কত টাকা জিনিস গেছে এখন দেখছেন? এটা তো এস্টিমেট করতে পারছি না, তো গেছে তাও লক্ষাধিক টাকা। 1 লাখ টাকা মতো গেছে। 1 লাখ সোনা, 1 লাখ সোনা, ক্যাশ টাকা কিছু? ক্যাশ টাকা আছে, ক্যাশ টাকাও ছিল। বড় ক্যামেরা, একটা বড় ক্যারিসেলার ক্যামেরা ছিল, এটা ছিল। আর লক্ষাধিক টাকা গেছে তাহলে বলছেন? হ্যাঁ, ওর উপরেই। रेल पार की मासूम सना के कत्ल के वाकये के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। आसनसोल बीएनआर मोड़ से यह रैली एसडी ऑफिस तक गई। कांग्रेसी रहनुमाओं ने बताया कि इस तरह के कई वाकयात इससे कबल भी रेल पार में वाकये हो चुके हैं, मगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। কোন
ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে নর্থের 5 নম্বর থেকে 6 নম্বর ঘটনা, একটাই খালি ডিটেকশন হয়েছিল। এরপরে আবার এই একটা বাচ্চা মেয়ে যাকে হত্যা করা হয়েছে, নির্মম ভাবে। এবং আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা বহুবার নর্থে বলেছি, জিআরপি আরপিএফ এদের এখানে এতভাবে মদক বিক্রি হয় যে মদকটা এক পর্যন্ত ওরা বন্ধ করতে পারল না। কোন দোষে কেন বন্ধ করতে পারল না এটা বুঝতে পারছি না। পুলিশ প্রশাসনের কী কাজ? এগুলো তো পুলিশদের কাজ যে কীভাবে শান্তিতে লোকে থাকবে। কোনো শান্তির ব্যাপার নাই, অশান্তির পর দিনের পর দিন নর্থ এলাকায় জুয়া চলছে, নর্থ এলাকায় মদক চলছে, নর্থ এলাকায় মার্ডার হচ্ছে এবং আরও আরও জায়গায় মার্ডার হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা ডিটেকশন তো থাকবে, কোনো ডিটেকশন নাই। আমরা প্রশাসনের কাছে আইসিপিকে ফোন করলাম, সিপি বলল হাম তো নেই হ্যাঁ, ডিসিকে ফোন করলাম নেই হ্যাঁ। তাদের ভাবা উচিত যে জনসাধারণের শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি, তারা আজকে বসে আছেন জনসাধারণের শক্তির ওপরে। আমরা তার লাস্টে আমাদেরকে এডিসিকে দিতে বললো, আমরা এসডিও এডিসি এবং আমাদের ডিআরএম সাহেবকে দেবো। তার কারণ যে ধরনের এইভাবে যেটা হচ্ছে এটা যদি বন্ধ না হয়, আমরা কিন্তু আসানসোলে জনসাধারণ বৃহত্তর আন্দোলন লাগবো। নাজরীন, খবর আসানসোল মে ওয়াক্ত হো চলা হ্যায় মুখতসর সে ওয়াকফে কা। छोटे बच्चे खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं जानते। पढ़ते पढ़ते बच्चे जब चाहे खेल लें और खेलते खेलते जब चाहे ये पढ़ लें, ऐसा बंदोबस्त तो बस एस एन प्ले स्कूल में ही मौजूद है। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इंग्लिश मीडियम एस एन प्ले स्कूल, ऑडियो वीडियो क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। Student and teacher of our school are very smart. Me for head of class UKG. We respect our principal, thank you. Art and craft, skill development aur playground ki facility ke saath playgroup se class 5 tak dakhla jari hai. Yahan bachcho ki aamdoraft ke liye transporting ki sahulat bhi maujood hai. Nematpur Chowki police ne ismat dari ke ilzaam mein ek shakhs ko giraftar kiya. महरूस ने कुछ रोज कबल नेमतपुर मदरसा मोहल्ला की एक जहनी तौर पर मौजूद लड़की की इस्मत दरी की थी। महरूस को जुमा के रोज अदालत में पेश किया गया। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल इसी वक्त इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।